दोस्तों हम सबके घरों में डस्टबिन होता है और वो डस्टबिन हम कितना भी साफ रखें लेकिन उसमें कचरा डालते डालते उसमें से बदबू आने ही लगती है और अभी तो खासकर बरसात का समय है जिसमें ज़्यादा ही बदबू आती है। तो आज मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे आपका डस्टबिन का से बदबू नहीं आएगी और वो साफ रहेगा। तो आइए अब हम आपको वो तरीका बताते हैं। ये मेरा डस्टबिन है, ये साफ़ है लेकिन फिर भी आप कई बार देखिएगा इसमें से साफ़ होने के बावजूद बदबू आएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक ब्रेड लेंगे। ये देखिए मैंने ये ब्रेड लिया है और हमें लगेगा विनेगर। विनेगर तो आसानी से मार्केट में अवेलेबल है, ब्रेड भी हमें आसानी से घरों में मिल जाता है। तो हम एक ब्रेड के टुकड़े में विनेगर डाल देंगे। तो ये देखिए मैंने एक ब्रेड के टुकड़े में विनेगर डाल दिया है और उसे हम डस्टबिन के नीचे डाल के छोड़ के बंद कर देंगे। ऐसा करने से आपके डस्टबिन की जितनी भी बदबू है ये ब्रेड और विनेगर एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके डस्टबिन से कभी भी बदबू नहीं आ सकती। आप ये हर रोज़ कीजिए कचरे के साथ। इसमें पहले आप ये ब्रेड और विनेगर का एक टुकड़ा डाल दीजिए और उसके बाद आप इस पर कचरे डालते रहिए, पॉलिथीन उठा के फेंक दीजिए, आपको कभी बदबू नहीं आएगी आपके डस्टबिन से, चाहे आपका कचरा 2 या 3 दिन पुराना ही क्यों ना हो। और जब आप फिर से नए कचरे डालें तो आप फिर से यही चीज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है और आपके किचन भी इससे साफ रहेगा और आपके डस्टबिन से बदबू नहीं आएगी। तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिए और हमें ज़रूर बताइए ये तरीका आपको पसंद आया या नहीं। अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।